कोई भी आंदोलन हाथ और पैर से शुरू नहीं होती है, दिल और दिमाग की जरूरत पड़ती है। Hey, welcome back. मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट की एक ऐसी प्रॉब्लम को जो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को जूझ रहे हैं। आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ बात करूंगा जो स्कूलिंग स्टूडेंट है, तो मुझे लगता है कि मैं बेटर उससे ही पहले पूछ लूं तो ये ज्यादा हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो प्लीज बताइए हमें अपने बारे में थोड़ा, आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए हमें। आई संदेश कुमार। आई संदेश कुमार, आई एम स्टैंडर्ड 12th, आई स्टडिंग कॉमर्स इन चिन्मया विद्यालय। ऑलराइट, आपका नाम संदेश कुमार हुआ, चिन्मया विद्यालय में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अभी मुझे बताइए, शायद अभी आप लोग का एग्जाम का माहौल चल रहा है, अभी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, आपके साथ शेयर करूं, ताकि बहुत लोगों को फायदा हो? आपके थ्रू मैं चाहता हूं कि 90% बच्चों को बेनिफिट हो, तो प्लीज मुझे अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताइए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। द मेजर प्रॉब्लम इज दैट सर, जब मैं जीएसटी और थ्योरी सब्जेक्ट जैसे पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, ये सब, तो सर उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। मतलब पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि ध्यान उस पर नहीं है और नींद आने लगता है। मतलब बहुत रिलैक्स फील करने की वजह से बहुत नींद आता है सर वो सब्जेक्ट पढ़ने से। और सर घर का भी बहुत सारा काम रहता है, उसको भी मैनेज करना है और स्टडी को भी मैनेज करना है सर, दोनों पॉसिबल एक साथ नहीं हो पाता है, फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं सर। अच्छा, मैं जहां तक आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूं, दो आपका प्रॉब्लम है। एक तो सर जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो तो मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन जो बोरिंग सब्जेक्ट होता है जैसे कि बीएसटी हो गया, आपने शायद बीएसटी कहा, तो वो रट्टा मारना पड़ता है, तो उसमें मेरा फोकस नहीं बन पाता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि सर अभी तो लॉकडाउन का टाइम ऐसे ही चल रहा है, हमेशा घर में रहना पड़ता है, पढ़ाई भी घर में ही करनी पड़ती है, लेकिन घर की कुछ जिम्मेदारियां भी जो हमें निभाना पड़ता है, हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं और पढ़ाई में भी दिक्कत होती है, तो हम उसको मैनेज आखिर कैसे करें सर? दिक्कत होती है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। देखिए, यस सर, पहले क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देता हूं कि कोई चीज पता है बोरिंग कब लगती है? जब आपको समझ में नहीं आता है। आप कह रहे हो कि सर ये थ्योरी पार्ट है, मुझे समझने में दिक्कत होती है। चलो मैं अपनी बात बताता हूं थोड़ी सी। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो कैसे पढ़ता था, मान लो हिस्ट्री में पढ़ रहा हूं, तो अपने आप को वहां पे इमेजिन करता था। जब तक माइंड में किसी चीज का पिक्चर नहीं बनेगा ना, आप क्लियरली समझ नहीं पाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर लो होगी, जहां लो होगा माइंड डेविएट करेगा, माइंड हमेशा प्लेजर की तरफ भागेगा, आपको लगेगा यार ये बोरिंग चीज है, हटाओ इसको। मैं जब पढ़ता था, हिटलर के बारे में एक बार पढ़ रहा था, तो उसका पनिशमेंट देने का तरीका क्या था कि एक आदमी को चेयर पे बैठा लेता था, तो पता मैं क्या करता था, मेरा छोटा भाई था, ठीक है, तो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, उसको पकड़ के मैं भी चेयर पे बैठा लेता था, फील करता था मैं अपने आप को हिटलर समझता था। और वो क्या करता था, आदमी को उसके ऊपर एक घड़ा टांग देता था या बैग टांग देता था, वहां पर एक ऐसा छोटा सा छेद करता था और वहां से एक ड्रॉप पानी गिरती थी टप उसके सर पर, इतना छोटा पनिशमेंट। अब जरा सोचोगे कि इतना छोटा पनिशमेंट, ये तो बड़ा सिंपल है, एक ड्रॉप पानी ही तो सर पे गिराना है, पता है ये पनिशमेंट कब तक छोटा लगेगा आपको? एक मिनट छोटा लगेगा, 5 मिनट छोटा लग सकता है, 1 घंटा छोटा लग सकता है, हो सकता है आधा दिन छोटा लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, 1 सप्ताह छोटा लग सकता है, लेकिन जब वही एक ड्रॉप पानी हर वक्त, मान लो कि सो रहे हो, अब याद आएगा एक ड्रॉप पानी गिरा टप टप टप, और फिर वही एक ड्रॉप पानी ना हथौड़े के जैसा लगता, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी कि माथा में छेद तक हो जाता था, सड़ जाता था ये माथा, कंटिन्यूसली गिराता था। जो कन्विक्ट था, अपराधी था, वो तड़पते थे कि सर मुझे फांसी दे दीजिए, मेरा गला काट दीजिए, लेकिन ये पनिशमेंट मुझे मत दीजिए। मैं पिक्चराइज करता था, मैं फील करता था, इमेजिन करता था। अब बिजनेस स्टडी, जहां तक मुझे लगता है ये पूरी तरह से बिजनेस के बारे में, आप बिजनेस कैसे करोगे? अपने आप को एंटरप्रेन्योर जैसा सोचो कि मैं अगर बिजनेस करूंगा, किसी तरह का एक बिजनेस चलाऊंगा, तो मेरे को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एक एक बात को बारीकी से फिट करो,
फील करो कि मैं ये बिजनेस क्रिएट किया हूँ, इसके बारे में अच्छा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, मैं मैनेजिंग कर रहा हूँ। एक एक मुझे शायद मैं उतना ज़्यादा बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहा हूँ। तो अगर मैं बिजनेस स्टडी पढ़ता तो मैं ऐसे करके पढ़ाई करता, अपने आप को एक फर्म पहले क्रिएट कर देता, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्रिएट कर लेता और उसको अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता मैं उसमें। कभी मैं मान लो कि सपोज सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहा हूँ या प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो अपने आप को मैं प्रेसिडेंट जैसा फील करता था, अपने आप को वहाँ पर रख करके उसके एक एक पैराग्राफ में खुद को रखता था, महसूस करता था कि मान लो मैं प्रेसिडेंट हूँ तो भाई मेरी एज क्या होनी चाहिए। होता है कि प्रेसिडेंट बनने की एज क्या है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन वहाँ पर होती थी, तो मैं अपने आप को वहाँ पर फुट करके देखता था। आप फील करोगे तो बड़ा मज़ा आपको आएगा देखो, अपने आप को बिजनेस जैसा क्रिएट करके देखो, थोड़ी सी इमेजिनेशन उसमें डालो, दो चार अपने फ्रेंड को भी वहाँ पर इन्वॉल्व कर लो हो सके तो, और नहीं हो तो इमेजिनेशन में इन्वॉल्व कर लो। आप फील करो कि मैं एलन मस्क के साथ बिजनेस कर रहा हूँ तो वो मेरे को आकर समझा रहा है ये चैप्टर, अच्छा ये प्रोसेसिंग होती है, ये प्लानिंग होती है, मार्केटिंग होती है, नीश मार्केटिंग ऐसे होती है, इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। आप इसको करके देखना, बहुत आपको मजा आएगा। दूसरी, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रही है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ संदेश? यस सर। हाँ, थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको, हाँ सर समझ आई, क्लियर है, थोड़ा आपको इन्वॉल्व होना, अपने आप को वहां फील करो, रखो, देखो, आप करो कि एक बड़ी सी 500 करोड़ के ऑर्गेनाइजेशन में बनाया हुआ हूं, मुझे ये सब चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर के ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने लगेगा। दूसरी बात, आपका जो मैं देख रहा हूं प्रैक्टिकल, हाँ, कि कुछ घर का प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं आपका, कि सर मेरे को पढ़ने का भी, पढ़ना भी है और मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी है, मैं दोनों को कैसे मैनेज करूं? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, संदेश आपसे भी है और बाकी सब स्टूडेंट से भी है जो वीडियो देख रहे हैं, क्या सोने से पहले आप अगले दिन का प्लानिंग करके सोते हो? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। अगले दिन का हाँ, पूरा माइंड में प्लानिंग रहता है, जो फिक्स रहता है कि हाँ ये काम मेरे को करना है, क्या ये प्लानिंग फिक्स रहती है? रहता है? यस सर। देखो अगर रहता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन 90% बच्चे में क्या दिक्कत होती है ना, कि अगले दिन का प्लानिंग करके नहीं सोते हैं, वो डायरी मेंटेन नहीं करते हैं। प्लानिंग ऐसा नहीं कि खाली अच्छा अच्छा ठीक है मेंटली, नहीं, रिटन डायरी में कि ठीक है 8 से 9 ये करना, 9 से 10 ये करना, ये करके पूरे दिन भर का, क्या आप डायरी मेंटेन करते हो, रिटन करते हो? तो सर रिटन है, ओरली सर मेंटली माइंड पे रहता है। ओरली रिटन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है संदेश जी, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जब आप लिखोगे ना तो पता है पूरे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं आपके, आप देख रहे हो, पकड़ रहे हो, फील कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, एक एक चीज आप इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इससे पता क्या होता है, माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कल दिन भर के प्रोग्रामिंग का क्या फायदा होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना। आप मैथ्स में पढ़े होगे फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड, वो मैथड की बात नहीं कर रहा हूं, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक है, वो इस प्रिंसिपल को लगाते हैं, वो अपने सारे प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। अगर मैं सोचता तो कैसे सोचता पता आपकी प्रॉब्लम को, मैं तो पहले प्लानिंग कर लेता, डायरी पे लिख देता, अच्छा अच्छा ये 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 मेरा काम है, पूरे दिन भर को मैं ब्लॉक कर देता, अच्छी तरह, अच्छा ठीक है मेरे को दिख रहा है, मेरे को चलो काम, मुझे स्पेसिफिक काम बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत आती है, अभी आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा मुझे बताइए कहाँ पे आपको डेविएशन होता है। सर वही साउंड क्रिएशन हो गया, बस कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे किसी चीज़। नहीं, घर का कोई प्रॉब्लम बताइए जिसमें आप फंस जाते हो, मुझे बताओ जो अभी हो रहा है आपके साथ। बाल जी घर पे किसी का, मेरे घर पे अभी कंस्ट्रक्शन है तो उससे डेविएट होता है माइंड। अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, ठीक है, तो देखिए क्या करता मैं, अगर करता तो क्या होता, मैं पता चल गया अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला काम में मेरे को जाना है, पढ़ना भी है, वहां पे जाना भी है, तो मैं क्या करता ना, आराम से पहले देखता कि अच्छा मेरे को कितना घंटा जाना है, मेरे को 2 घंटा जाना, 3 घंटा, 4 घंटा, ये 5 घंटा जाना है, ठीक है 5 घंटा में मेरे को वहाँ क्या क्या काम रहता है, क्या मेरे को कुछ फिजिकल काम वाला करना या देख रेख का काम है, तो मैं देखता कि अच्छा मेरे को देख रेख का काम है, कोई फिजिकल उठा उठा करके मेरे को देने वाला काम नहीं, अगर देने वाला काम नहीं है तो मेरे को खाली देख रेख करना है, ठीक है। और फिर वहां पे मैं क्या करता, देखता कि अच्छा मेरे पास फ्री स्पेस कितना भरा। ऑनेस्टली इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना, अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। ये बता रहा एलन मस्क का, एलन मस्क जब रशिया में गए थे वो रॉकेट खरीदने के लिए, तो रशिया वाले ने इतना कॉस्ट बताया कि वो बोले कि यार मेरे बस की तो बात नहीं, इतना महंगा रॉकेट तो कैसे काम होगा। फिर उसने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना स्टार्ट किया, उसने देखा कि मार्केट में प्लान बनाया कि मैं रॉकेट खुद बना लूंगा,
उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। देखा यार रॉ मटेरियल तो बाप रे बाप 20 गुना कम यहाँ सस्ता मिलता है। देखा उसने, उसके बाद देखा अच्छा कहाँ कहाँ कॉस्टिंग हो जाती है। तो जो रॉकेट बेच रहा था ना, वो खुद अपना रॉकेट नहीं बनाता था, वो भी अलग अलग पार्ट खुद असेंबल करके लाता था। तो हर कंपनी किसी दूसरे कंपनी को जब देता था तो अपना प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसपोर्टेशन जोड़ के सेंड करता था, जिसके कारण रॉकेट की कॉस्ट बढ़ जाती थी। इसने दिमाग लगाया, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा कि कहाँ कहाँ कॉस्ट बढ़ती है जी। तो पता चल गया रॉकेट बनाने में ऐसे ऐसे करके पार्ट बढ़ते हैं। तो जब छोटे छोटे प्रॉब्लम आ गया ना, तो रॉ मटेरियल में बचा लिया, ट्रांसपोर्टेशन में बचा लिया, मार्केटिंग वर्केटिंग जो भी है सब बचा करके उसने रॉकेट का दाम जो है ना 1/10 कर दिया, 10 गुना उसने कम कर। आप थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करके देखो, जूम करके देखो अपनी प्रॉब्लम को, आपको देखना बीच में बहुत सारा फ्री स्पेस मिलेगा। आप हो सकते हो कि कहीं ऐसा स्पेस मिल जाए कि जहां पर आप काम कर सकते हो, या ऐसा देख लो कि मान लो कि बहुत कंसंट्रेशन वाला काम अगर मैं वहां नहीं कर पाता हूं, तो क्या मैं जो पढ़ लिया उसको रिविजन करने वाला काम कर सकता हूं? ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ ये तो काम कर सकता हूँ, क्योंकि पढ़े हुए चीज को फिर पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है, आराम से फोकस भी आराम से हो जाएगा, पढ़ भी लोगे आराम से, ये भी चीजें हो सकती है। आप इसको ट्राई, और सबसे अच्छा उपाय क्या है ना कि जितनी बातें मैंने बताया एक ही तरीका बचता है कि इसको ट्राई करो जाकर के। ट्राई करने में कुछ डेविएशन भी आ सकता है, कुछ नए रास्ता भी मिल सकता है, कुछ वहीं पे प्लान आपको दिख जाएगा। सबसे लाइफ में इस चीज को हमेशा ट्राई करना, लाइफ में आप अभी आप लोग क्या यंग माइंड हो, लाइफ में बहुत सारी चीज ऐसे मिलेंगे कि एक ही तरीका बनता है कि ये काम करेगा प्लान के काम नहीं करेगा, एक ही तरीका है कि इसको जाकर के हम टेस्ट करेंगे। और टेस्टिंग में आपको देखना बहुत सारा फायदा मिलेगा, और वहीं पे कुछ इनोवेशन करने के काम करो, खाली माइंड खुला रखो, अच्छा देखते हैं कि यहाँ पे और कैसे समय बचा सकता हूं। आप उसको करके देखिए, मैं 100% यकीन दिलाता हूं आप वहां से भी रास्ता ढूंढ लोगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोग ऐसे थे कि बगल में बैठे रहते थे, पढ़ाई इतना गहन करते थे कि बगल से बारात गुजर जाती थी, उनको पता नहीं चलता था किस लेवल का कंसंट्रेशन था। बगल से बारात गुजर जाती थी, उनको पता नहीं चलता था कि मेरे बगल से बारात गुजरी। सोचो, थोड़ी सी प्रॉब्लम को जूम करके देखो, आपको छोटे छोटे पार्ट बहुत सारा वहां पे मिलेगा। आप घर के प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करते, मम्मी पापा को सपोर्ट करना है क्योंकि हम लोग मेडियोकर फैमिली है, ठीक है, तो हम लोग को सपोर्ट करना होगा, हम लोग को मिलजुल के करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आप रास्ता निकालोगे। मैंने बताया ना क्या मेथड, पहले सोने से पहले ही प्लानिंग कर लो दिन भर का, रिटर्न में माइंड में नहीं हाँ ऐसे नहीं करना है, रिटर्न में एक्चुअली देख लो कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया हूँ। पहला मेथड जो है आप उसको इमेजिन करके करो, पिक्चर बना के करो, अपने आप को इन्वॉल्व करके करो। और दूसरा जो मेथड है कि सोने से पहले तो आप अपना प्लान डायरी में जरूर लिख के करो, डायरी राइटिंग जरूर करना सीखो। मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूँ आपके माध्यम से कि ये बहुत फायदा करेगा। आज करोगे तो शौक से करोगे, कल तो मजबूरी बन जाएगी आपकी, मजबूरी बन जाएगी। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है ना, आपको इसके थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। वेल, ये सब बातें मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं यहीं पर रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से थोड़ी सी मदद जरूर हुई होगी, और अगर मदद हुई ना तो अपने कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी बातें जरूर लिख करके बताइएगा। मैं ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाता हूँ, मुझे कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे आपके प्रॉब्लम का कंटेंट चाहिए। आप मुझे प्रॉब्लम लिखिए, मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। मैं हूं ना, मुझे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा हक है। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ। अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।